हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब बटन को दबा ले, और क्या आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज लाइक बटन दबा ले, और आप बेल बटन को सबसे पहले, और आप तुरंत अपनी वीडियो को देख सकेंगे, अपनी मनपसंद वीडियो को। तो दोस्तों, आपने इस यूट्यूब चैनल को यानी मैकेनिकल सुमन को यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके मन पसंद का वीडियो बनाते रहें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देते रहें। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए हम कहते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में मैं ये देखता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए, हमने जो रेजिस्टेंस बताए थे आपको पिछली वीडियो में, वो हमने रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पर देखिए नेगेटिव से हमने सोल्ड कर दी है, और सभी को सोल्ड करने के बाद अब हमारी लगभग देखिए सब कुछ हो गई है, कंडेंसर, रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर। अब हमारी ये जो आगे की काम है, अब हमें क्या करना है, ये आप देख सकते हैं कि ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस जो है अर्थ से लगाई हुई है, यानी कि दोनों एमीटर BD 139 और BC 147 दोनों एमीटर से अर्थ है, यानी कि आपको ये लोड रेजिस्टेंस के काम करता है। इससे एक और भी फायदा है, मैं आगने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस रेजिस्टेंस से आपको क्या फ़ायदा है और आप उससे क्या कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में हमने जो कटिंग की है वहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगेगी। तो हम सारे की सारी रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं, प्रीसेट और अर्थ के बीच में जो है, सॉरी नेगेटिव के बीच में जो है, वो वहाँ पर तो हमने A1K लगा दिया, और ये है आपकी नेगेटिव और एमिटर के बीच में जो है ये रेजिस्टेंस है, 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है, और ये लगेगी। और ये सारे हम लगा देते हैं, लगाने के बाद हम इसको सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड करने के बाद हमारी जो वो काम है वो ख़त्म हो गई। अभी आप देख सकते हैं कि ये है आपकी नेगेटिव, नेगेटिव से आपकी जो कंटेक्ट है तो हमने ये लगा दिया। अभी सभी को हम नेगेटिव करेंगे, यानी कि ये जो ये आप देख सकते हैं कि नेगेटिव से अर्थ है, तो हम दोनों को आपको दिखाते हैं कि नेगेटिव से आपको अर्थ करना है रेजिस्टेंस को। तो एक हमारे प्रीसेट पर अर्थ जाएगी, ये आप देख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से प्रीसेट पर ले जाएंगे अर्थ। और ये है जो आप देख सकते हैं कि 10 की और 100 के जो रेजिस्टेंस मिली हुई आपस में, वो है सब के सब पॉजिटिव। तो हम सारी पॉजिटिव को एक कर देंगे ताकि हमारी जो पॉजिटिव की प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव के लिए हर किट के लिए हमें अलग अलग डायोड नहीं लगाने पड़ेंगे सिर्फ। और ये देखिए, हमने सभी को आपस में शॉर्ट कर दिया है, इससे आपकी ये पॉजिटिव की प्रॉब्लम हल होगी। अब हमें ये निगेटिव अर्थ करनी है, यानी कि जो प्रीसेट, ये आप देख सकते हैं प्रीसेट से 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, अर्थ में लगी हुई है, ये भी यहाँ पर यहाँ अर्थ होगी, ये सब अर्थ होगी। तो यहाँ पर नीचे अर्थ कर सकते हैं या फिर सब ई को आपस में जोड़कर एक को अर्थ कर सकते हैं। तो हम चलिए हम उसको देखकर उसको भी अर्थ कर देखिए, चारों को, चारे प्रीसेट को भी अर्थ करना है और रेजिस्टेंस जो उसमें लगी हुई है तो उसको हम अर्थ करेंगे। तो चलिए हम एक वायर ले लेते हैं और उससे हम अर्थ कर लेंगे। अर्थ करने के बाद हम उसे अर्थ की हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और ये जो हमारी सब सारी की सारी कॉमन है वो आपस में शॉर्ट है। तो चलिए अब हम धीरे से इसको शॉर्ट कर लेते हैं सारी अर्थ को। तो अर्थ शॉर्ट हो गई हमारी, उसके बाद ये देखिए हमने नेगेटिव को भी आपस में हमने शॉर्ट कर दिया है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब आपस में शॉर्ट है, और यहाँ पर ये हमारी सभी के सभी आपस में हमने शॉर्ट कर दी है, और वही नेगेटिव है आपकी कॉमन आपकी चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आई हुई है प्रीसेट पर, तो यही आपकी जाएगी, और वो 10 ओम्स की रेजिस्टेंस में जुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं 10 ओम्स की रेजिस्टेंस से आपकी अर्थ गई। ये हमारी पूरी किट कंप्लीट हुई। अब सिर्फ हमें यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी हमारी एक की फंक्शन है, हम ऐसे चार बना लिए हैं, चारों आपस में कर दिए हैं। तब चारों को अब यहाँ पर एक हमारी बची हुई है,
यहाँ पर हम इसकी किट हम आगे बताएंगे कि इस पर हमें हाई कट बनानी है, यानी कि ये उल्टी काम करेगी, यानी कि जनरल पे ऑन रहेगी और हाई कट पे ऑफ होगी। तो ये वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।